टीम इंडिया नहीं जीत पाएगी वनडे वर्ल्ड कप 2023। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के नहीं बल्कि भारतीय दिग्गज का है ये ऐलान। टीम इंडिया को दो वर्ल्ड कप जिताने वाले प्लेयर ने अचानक क्यों कर दी ऐसी बात, बीसीसीआई और सेलेक्टर्स को बता दी हकीकत। क्या अजीत आगरकर करेंगे इस दिग्गज की सलाह पर अमल, शॉर्टलिस्ट 20 प्लेयर्स में होगा कोई नया बदलाव। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। ये टूर्नामेंट इस बार भारत में खेला जाना है और ऐसे में भारतीय क्रिकेट फैंस को टीम इंडिया से काफी उम्मीदें हैं। भारत की सरजमी पर खेले जाने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज होने में अब महज 3 महीने का समय बचा है, तो वहीं अब एक बार फिर शेड्यूल में बदलाव किया गया है। क्वालिफायर राउंड से श्रीलंका के साथ नीदरलैंड की टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला 2 नवंबर को खेला जाएगा। वहीं नीदरलैंड की टीम से टीम इंडिया का मैच 11 नवंबर को होगा। भारत वनडे वर्ल्ड कप में पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ खेलेगा, तो वहीं चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से 15 अक्टूबर को आमना सामना होगा। वर्ल्ड कप का आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच खेला जाएगा। टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई और कोलकाता में होगा, जबकि फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। इन सब के बीच टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा बयान दिया है। युवराज सिंह ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो उन्हें यकीन नहीं है कि भारत घरेलू मैदान पर 2023 वर्ल्ड कप जीत पाएगा या नहीं। YouTube चैनल क्रिकेट बसु पर एक फ्री व्हीपिंग चैट में क्रिकेटर ने भारतीय क्रिकेट की स्थिति पर खुलकर विचार दिए। भारत के 2023 वनडे वर्ल्ड कप की संभावना के बारे में पूछे जाने पर ईमानदारी से कहूं तो मैं निश्चित नहीं हूं कि वो वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं या नहीं। मैं एक देशभक्त की तरह कह सकता हूं कि भारत जीतेगा, लेकिन मैं देखता हूं कि भारतीय टीम में मिडिल ऑर्डर में चोटों को लेकर काफी चिंताएं हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पिछले 10 सालों के उतार चढ़ाव वाले प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर युवराज ने कहा, भारत को वर्ल्ड कप न जीतते हुए देखना निराशाजनक है, लेकिन ऐसा ही है। वर्ल्ड कप से पहले युवराज के मुताबिक टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर ठीक है, लेकिन मिडिल ऑर्डर को व्यवस्थित करने की जरूरत है। स्लॉट 4 और 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऋषभ पंत आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उन्हें राष्ट्रीय टीम के लिए भी चौथे नंबर बनाना चाहिए। चौथे नंबर पर बल्लेबाज तेज तर्रार रन बनाने वाला नहीं हो सकता, उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दबाव झेल सके। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि भारत नॉकआउट मैचों की तरह दबाव बनाने वाले मैच खेलते समय प्रयोगात्मक मोड में नहीं रह सकता। आदर्श नंबर 4 के बारे में पूछे जाने पर जिस स्थिति को उन्होंने अपना बताया, युवराज ने केएल राहुल का नाम सुझाया और उसी सांस में एक स्थान के लिए रिंकू सिंह का नाम लिया। युवराज ने कहा कि रिंकू सिंह वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनमें साझेदारी बनाने और उस स्ट्राइक को बरकरार रखने की समझ है। ये बहुत जल्दी है, अगर आप उन्हें चाहते हैं तो आपको उन्हें पर्याप्त मैच देने होंगे। उन्हें अब भारतीय क्रिकेट के लिए भी उम्मीदें हैं। तो वहीं पूर्व क्रिकेटर अजीत आगरकर भी चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में एक अच्छी पसंद है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। ये मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और रनर अप न्यूजीलैंड की टीम के बीच खेला जाएगा। 6 अक्टूबर को पाकिस्तान अपना पहला मैच हैदराबाद में खेलेगा, जबकि 7 अक्टूबर को बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में मैच खेला जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप के दौरान 10 वेन्यू होंगे, इसमें हैदराबाद, धर्मशाला, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, पुणे, लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता है। हैदराबाद के अलावा त्रिवनंतपुरम और गुवाहाटी में 29 सितंबर से 3 अक्टूबर के अभ्यास मैच खेले जाएंगे।